नमस्कार, मैं प्रिया। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पटना के इन खिलाड़ियों ने बिहार को दिलाया कांस्य पदक। गुवाहाटी में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम में शनिवार को भी बिहार का बोलबाला रहा, जहां पर लोन बॉल के पुरुष वर्ग में पटना के तौसीफ अहमद और हर्ष राज ने कांस्य पदक जीता है। इतना ही नहीं, बालिका फोर्स में निखत खातून, सना खातून, जुबेरिया और खुशबू कुमारी ने दूसरा कांस्य पदक दिलाकर बिहार का नाम रोशन किया है। सफलतापूर्वक पूरी हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की श्रृंखला योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुरू हुई श्रृंखला का आयोजन समूचे बिहार में सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही बिहार ने एक और उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है। पटना समेत विभिन्न जिलों में अब तक के सबसे बड़े श्रृंखला के आयोजन से इतिहास रच दिया गया है। कॉलेज डिक्शनरी में मिथिला के पाक को मिली जगह। मिथिलांचल में बनने वाले पाक को दुनिया भर में अलग ही प्रतिष्ठा मिल रही है। इसी क्रम में मिथिलांचल में बनने वाले इस पाक के नाम को अंग्रेजी भाषा के 200 साल पुरानी कॉलेज डिक्शनरी ने अपने यहाँ शामिल किया है। साल 2020 के पहले सप्ताह में ही इस शब्द को शामिल करते हुए कॉलेज डिक्शनरी ने इसे परिभाषित किया है कि पाक सिर पर धारण करने वाला एक प्रकार का वस्त्र है, जिसे भारत के मिथिला क्षेत्र के लोग माथे पर पहनते हैं। गेहूं उत्पादन में बिहार को मिल सकता है तीसरा स्थान। मानसून के दौरान हुई अच्छी बारिश और समय पर हुई गेहूं की खेती के कारण इस बार गेहूं की फसल में बढ़ोतरी देखने की उम्मीद जताई जा रही है। इतना ही नहीं, बिहार में गेहूं की उत्पादकता पंजाब और हरियाणा के बाद देश भर में एक पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर पहुंचने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार के काम ना करने वाले अफसरों पर सरकार सख्ती से आएगी पेश। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बिहार सरकार अब वैसे अफसरों की छुट्टी करने जा रही है जो अपने काम को निष्ठापूर्वक नहीं करते आ रहे हैं, जिसके तहत 50 वर्ष से ज्यादा हो रहे कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लिया है, जिसकी तैयारियां विभाग ने बहुत पहले ही शुरू कर दी है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड हुआ जारी। केंद्रीय चयन परिषद बिहार पुलिस मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल परीक्षा के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। जिन भी अभ्यर्थियों ने मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल परीक्षा के लिए आवेदन भरा है, वो सेंट्रल सिलेक्शन ऑफ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया कल से यानी कि रविवार से शुरू हो चुकी है और यह परीक्षा 2 फरवरी को ली जाएगी। बिहार के विभिन्न जिलों में हुए बारिश से गिरा तापमान। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में छिटपुट बारिश देखने को मिली, जिसमें कि तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। विभिन्न जगह पर हुई हल्की बारिश के कारण आने वाले 2-3 दिनों में बादल का आना जाना देखने को मिलता रहेगा, साथ ही ठंड के भी असर में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा में 560 किलोमीटर लंबा बना श्रृंखला। जल जीवन हरियाली के तहत आयोजित किए गए श्रृंखला का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। इसके तहत पटना समेत अलग अलग जिलों में श्रृंखला का आयोजन करवाया गया था। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा की अगर बात करें तो वहां पर 560 किलोमीटर का विशाल श्रृंखला बनाया गया था, जिसको देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अति उत्साहित भी हुए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस साल बने इस श्रृंखला ने पिछले दोनों साल के बने श्रृंखलाओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे गुरमीत चौधरी की। राम के किरदार से मशहूर हुए गुरमीत चौधरी का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था, जहां गुरमीत ने अपना अधिकतर जीवन बिहार से बाहर ही गुजारा है। बिहार में जन्मे गुरमीत ने टीवी सीरियल्स में काम करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया ही, साथ ही साथ कई फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा बिखेरी है। रामायण सीरियल से राम के किरदार से फेमस हुए गुरमीत ने गीत पुनर्विवाह जैसे सीरियल्स में काम किया है। इतना ही नहीं, गुरमीत चौधरी ने कई रियलिटी शोज में भी काम किया है। आनंद कुमार ने कुवैत में रहने वाले बिहार झारखंड के लोगों से की अपील। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने कुवैत में रह रहे बिहार झारखंड वासियों से एक खास अपील की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जितने भी भारतीय प्रवासी कुवैत में रह रहे हैं, वह अपने अपने राज्य के अनुसार वहां की प्रगति के लिए योगदान जरूर करें, क्योंकि बिहार झारखंड उन राज्यों की गिनती में आते थे जिन्हें अति पिछड़ा माना जाता था, मगर धीरे धीरे करके अब हालात कुछ अलग है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उक्त बातें आनंद कुमार बिहार झारखंड एसोसिएशन मौर्य कला परिषद के 25 साल पूरे होने के अवसर पर कुवैत में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। तरकारी महोत्सव में गया की सब्जियों को मिली जीत। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आयोजित तरकारी महोत्सव में गया के ब्रोकली और बैगन को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसके तहत गया से आए किसानों को इन सब्जियों के उत्पादन के लिए सम्मानित भी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हर साल की भांति इस साल भी पटना के ज्ञान भवन में तरकारी महोत्सव का आयोजन कल यानी कि रविवार तक किया गया था। अमित शाह ने चिराग पासवान को नए साल में दी एक नई जिम्मेदारी। इस चुनावी साल में अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए हर पार्टियां तमाम कोशिश कर रही है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान को संसदीय राजभाषा उप समिति का संयोजक बनाया है, जिसके लिए चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है, जिसकी जानकारी लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी है।
पटना साहिब गुरुद्वारा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार की राजधानी पटना को सिखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि यहां पर सिखों के 10वें धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था और इसी वजह से पटना के पटना साहिब में इस भव्य गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था। इतना ही नहीं, पटना साहिब का यह गुरुद्वारा महान सिख गुरुओं के तख्त में से एक माना जाता है, जहां पर हर साल लाखों सिख श्रद्धालु अपना मत्था टेकने आते हैं। कन्हैया कुमार ने एक बार फिर केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथ। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार आए दिन केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ पहुंचे कन्हैया कुमार ने इसी क्रम में एक बार फिर से केंद्र सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि केंद्र सरकार जितनी भी जोर लगा ले, भारत के सच्चे देशभक्तों को नहीं खरीद सकती है। भारत में एनपीआर और एनआरसी किसी भी हाल में नहीं आने देंगे। अब पटना में ब्रेड हुआ 10 रुपए तक महंगा। पटनावासियों का ब्रेड खाना महंगा पड़ेगा, क्योंकि हर तरह की ब्रेड के दाम में 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक का इजाफा किया गया है, जिसके तहत सभी ब्रेड कंपनियां बढ़े हुए दाम का कारण कच्चे माल की बढ़ती कीमत को बता रही है। ब्रेड की बढ़ी कीमतों से यकीनन ब्रेड की खरीदारी पर भी असर देखने को मिलेगा। दिल्ली में अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े मांझी। हम प्रमुख जीतन राम मांझी बिहार में हर बार मुंह की खाने के बाद अब दिल्ली में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और साथ ही साथ एक दर्जन से अधिक पदों के लिए भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब भू लगान जमा करवाने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। आने वाले वित्त वर्ष में बिहार में भू लगान जमा करवाने की प्रक्रिया में बदलाव किया जाने वाला है, जिसके तहत अब भू लगान को जमा करवाने की सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का ऐलान किया गया है, जिसके लिए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अधिसूचना जारी कर दी है। इतना ही नहीं, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस सारी प्रक्रिया को कंप्यूटराइज्ड करवाने के अलावा इस पूरी प्रक्रिया को सीएफएमएस प्रणाली से जोड़ने का भी निर्देश जारी किया है। बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर फंसा दाव पेच। इस चुनावी साल में महागठबंधन दल में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जहां एक ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सभी दल इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। इसी बीच महागठबंधन दल से मुख्यमंत्री पद के लिए एक और नए नाम पर चर्चाएं जोर हो गई हैं और वो नाम है कांग्रेस की पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो इस साल होने वाले चुनाव में ज्यादा सीटों की मांग भी की है। 25 जनवरी के बाद भी चलती रहेगी सहरसा भागलपुर डेमू। सभी कोसीवासियों के लिए खुशखबरी। रेलवे विभाग ने 25 जनवरी के बाद भी सहरसा भागलपुर डाउन डेमू एक्सप्रेस के परिचालन को जारी रखने का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत रेलवे विभाग ने यह साफ कहा है कि सहरसा से 8 बोगी वाली डेमू स्पेशल 05502 अपने निर्धारित समय सुबह 7:40 पर खुलेगी। बता दें, इस ट्रेन के चलने से बाबा नगरी जाने वाले कोसी क्षेत्र के श्रद्धालुओं का सुल्तानगंज स्टेशन पहुंचना आसान हो गया है। फिल्म 83 का पोस्टर लुक हुआ जारी। रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 83 का पोस्टर लुक कुछ दिनों पहले जारी किया गया था, जिसमें रणवीर सिंह पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की भूमिका निभा रहे थे। इसी क्रम में अब इस फिल्म का एक और नया पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें हार्डी संधू क्रिकेटर मदन लाल की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 1983 में टीम इंडिया ने कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप का खिताब वेस्टइंडीज को हराकर जीतने की कहानी पर आधारित है। कश्मीरी पंडित के पलायन पर बोले गिरिराज सिंह। भाजपा के बड़बोले नेता गिरिराज सिंह अक्सर कश्मीर पर दिए गए अपने बयानों के कारण सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इसी क्रम में एक बार फिर उन्होंने कश्मीरी पंडित को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीर से कश्मीरी पंडित को निकाले जाने की सिर्फ एक ही मंशा थी और वह थी कश्मीर को पंडित मुक्त बनाने की। वह 19 जनवरी का ही दिन था जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था। तेज प्रताप यादव का श्रृंखला आइडिया हुआ फ्लॉप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित किए गए श्रृंखला के एवज में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने अपने श्रृंखला बनाने का ऐलान किया था। इसके तहत पहले तो इस श्रृंखला को राजद ऑफिस से लेकर के भाजपा कार्यालय तक ले जाने का प्लान किया था, मगर तेज प्रताप यादव ने अपने ही ऐलान से पलटी मारते हुए अपने आवास के बाहर ही कुछ लड़कों के साथ खड़े होकर अपने द्वारा किए गए ऐलान का रस्म निभाकर अपनी यात्रा को रफा दफा कर दिया। टिकटॉक ने फेसबुक और मैसेंजर को पछाड़ा। इंस्टेंट शॉर्ट वीडियो बनाने वाली ऐप टिकटॉक के फेसबुक और मैसेंजर को पछाड़ दिया है। इतना ही नहीं, टिकटॉक अब पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के बाद सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है, जिसका ऐलान ऑनलाइन एनालिटिक फर्म सेंसर टावर ने जारी किए गए अपने एक रिपोर्ट में किया है, जिसके अनुसार साल 2019 में टिकटॉक को 28 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। एन श्रीनिवासन ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर दिया बड़ा बयान। बीते कुछ दिनों से महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के कई तरह की बयानबाजियां सुनने को मिल रही है। वहीं हाल ही में बीसीसीआई ने भी धोनी को अपने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया था। इसके बाद धोनी के सभी श्रेणियों के मैच को पूरी तरीके से छोड़ने की अटकलें भी लगाए जा रहे थे। इसी बीच अब चेन्नई सुपर किंग्स के एन श्रीनिवासन का बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2021 में भी सीएसके धोनी की कप्तानी में ही आईपीएल खेलेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब भूजल की चिंता रही है सता। जल जीवन हरियाली के तहत आयोजित किए गए श्रृंखला के सफलतापूर्वक समापन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में भूजल की स्थिति की चिंता सताई जा रही है, जिसको जाहिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस श्रृंखला के आयोजन के बाद किया है, जहां उन्होंने कहा है कि हर साल बिहार के कई जिले बाढ़ और सुखाड़ दोनों झेलते हैं। आने वाली पीढ़ी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसीलिए हमने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की थी। वहीं भूजल स्तर को मेंटेन करने के लिए सभी जिलों को अलग अलग पोखर तालाब को भी दुरुस्त करने का ऐलान किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके हिसाब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गया श्रृंखला कितना सफल रहा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।